Professor Adrian Vajpayee would like to give the viewpoint from a state university perspective. साथियों हिंदी बोल सकता हूँ ना प्रॉब्लम तो साथियों मुझे अच्छा लगा यहाँ पे आकर के और सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए है एज ए होल वो एकदम से दो सिस्टम्स हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं एक तो जो कॉरपोरेट कल्चर से जुड़ा हुआ हायर एजुकेशन है जिसमें कि हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बात कर रहे हैं और दूसरा जो इंडियन कल्चर से जुड़ा हुआ हायर एजुकेशन सिस्टम है दोनों को कैसे हम कन्वर्ज कैसे कर सकते हैं दोनों में एक रूपता कैसे लग जाए कि हम भारतवर्ष को पूरे भारतवर्ष की हैसियत से ही देखेंगे खाली एक इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव लेकर कहीं चले वो बात नहीं बन पाएगी और इन विश्वविद्यालयों को उनके हालत पर ही छोड़ दें वो बात जो है बन नहीं पाएगी सबसे बड़ी बात जो समझने की है हमको कि एजुकेशन जो है वो पूरी इकोनॉमी का एक हिस्सा है इसको अलग करके हम नहीं देख सकते तो इकोनॉमी की ग्रोथ और एजुकेशन की ग्रोथ में पैरिटी हमको देखनी पड़ेगी एंड देयर हैज़ टू बी सम फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विज़ इकोनॉमी सोसाइटी पॉलिटी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर लाइक द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी दैट इज नॉट इज गेटिंग एस्टैब्लिश्ड और जब इसको एज ए मोटो हम स्वीकार कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें जो हम पहले भाई साहब जो लेक्चर दे रहे थे वो जो लेक्चर से आप हुए वो सारी चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी देखिए जब प्रॉफिट की बात आती है तो उसमें भी हमारे पास में दो सिस्टम्स लगे हुए हैं ये जितने समझिए हमारे प्राइवेट पार्टनर्स हैं हमारे एजुकेशन में और उसमें भी जो आपके इंजीनियरिंग और मेडिकल और मैनेजमेंट की जो एजुकेशन वाले हैं उन्होंने तो अपनी इंस्टीट्यूशंस खोली ही हैं प्रॉफिट के लिए वो उसके बगैर चल नहीं सकते हैं और जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो समझिए वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं हम अपनी यूनिवर्सिटी जिसके मैं वाइस चांसलर हूँ पिछले 4 सालों से यदि 2 रुपए भी फीस बढ़ाता हूँ तो वहां पर आंदोलन होने लगते हैं और उसके ही समकक्ष जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनसे कई गुना अधिक फीस चार्ज कर रही है वहां पर वो जो भी नहीं कर रहे हैं तो एक ये भी बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया है कि हमें एक मैक्रो पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ेगा इंडिया एज ए होल के लिए अन्यथा क्या होगा जैसे कि हम रीजन के हिसाब से ज्योग्राफी के हिसाब से कल्चर के हिसाब से क्लास के हिसाब से अलग अलग सिस्टम डेवलप करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि दिक्कत हो जाएगी एक चैलेंज बहुत बड़ा ये भी आ रहा है हमारे सामने कि जितने प्रोफेशनल कोर्सेज जिसकी बात हमने कही है इनमें MBBS को छोड़कर बाकी इसमें विद्यार्थी नहीं आ रहे आप लाभ समझिए अच्छी हो उनको एजुकेशन दें अच्छी शिक्षा दें अच्छा करिकुला है सब कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी है तब भी स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग एट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोस कोर्सेस व्हाट्स द रीजन बिकॉज मार्केट डजंट सब्सटेंशिएट द नंबर ऑफ इस स्टूडेंट्स गेटिंग एडमिटेड टू दीज कोर्सेज वो भी चीज हमको देखनी पड़ेगी और सबसे बड़ा चैलेंज क्या हायर एजुकेशन का उद्देश्य सिर्फ जो है हम विद्यार्थियों को इंडस्ट्री के लिए बनाना ही है कि कुछ रिसर्च करना भी है हमारा जो कॉन्सेप्ट है हायर एजुकेशन का स्पेशली इंडिया में स्पेशली जो स्टेट यूनिवर्सिटी जो हम लोग हैं वो रिसर्च पर हम लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया है और आपको आश्चर्य जानकर के स्टडीज बता रही 60-70% जो रिसर्चेज हुई है इंडिया में वो आपके समझिए कि IIT IIM से कम हमारी जो स्टेट यूनिवर्सिटी ओरिजिनल रिसर्चेज है वो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज ने करके प्रदान किए हैं जिस पर अभी और रिसर्च यदि सही ढंग से नहीं हो पाएगी तो समझिए उसके बाद में टेक्नोलॉजी कैसे जरूर होगी बेसिक रिसर्च तो हमारे बेसिक सब्जेक्ट से हुई जो भाई साहब बता रहे थे फॉरेन का उदाहरण दे रहे थे उन्होंने बेसिक यूनिवर्सिटी बंद करके कॉम्पिटेंस सेंटर खोल दिए भाई कॉम्पिटेंस सेंटर क्या करेंगे आप अच्छी बॉडी बनाकर अच्छा माइंड बनाकर माइंड सेट बनाकर दे देंगे लेकिन जो बेसिक रिसर्चेस नहीं होंगी बेसिक पढ़ाई लिखाई नहीं होगी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे थ्योरीज लोगों के पास में नहीं होंगी तो आगे जाकर के बात कैसे बन पाएगी हम उस सेक्टर को भी नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारा तो ये सोचना है कि भाई जो भारतवर्ष है भारतवर्ष में हायर एजुकेशन है
वी शुड नॉट इग्नोर इंडिया सो फार एज डेवलपिंग द मॉडल ऑफ हायर एजुकेशन इंडिया. और भारतवर्ष की जो है अपनी एक परंपरा रही है हायर एजुकेशन की. आप बताइए, कोई भी ऐसा समझिए कि बेसिक ज्ञान नहीं है जो कि भारतवर्ष ने विश्व ज्ञान को न दिया हो. मैं कहता हूँ शून्य से लेकर अनंत तक जितने भी विषय होते हैं सब भारतवर्ष ने दिए हैं, उनको हमने इग्नोर कर दिया. सबसे बढ़िया लिटरेचर दिया, लिटरेचर में भी साइंस सोशल साइंस दी. गुरु ग्रंथ साहब का आप पारायण करिए, उसमें आपको बायो टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट समझिए फार्मूले हमारे गुरु ग्रंथ साहब मिलते हैं. उस चीज को कौन पढ़ाएगा? कालिदास को कौन पढ़ाएगा? भवभूति को कौन पढ़ाएगा? हम कहते हैं शेक्सपियर को कौन पढ़ाएगा? कीट्स को कौन पढ़ाएगा? जो हमारी फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, जो पूरे समझिए समाज में अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण करने की आवश्यकता होती है वो चीज. एक चैलेंज और जो बहुत ही महत्वपूर्ण, उस पर भी चर्चा हम करना चाहिए. हम स्टेट यूनिवर्सिटी से मॉडल हमारे सामने है इसमें, वही माइंडसेट का. मैं कल अपने बजट की मीटिंग ले रहा था अपनी यूनिवर्सिटीज में, पता था सारे डिपार्टमेंट्स भी साइंस सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के सोशल साइंस डिपार्टमेंट्स हैं, ना वहाँ कोई लेक्चर देने की आ रहा है, ना उनको बुलाया जा रहा है, ना कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं. एक ऐसी लेथार्जी आ गई है प्रोफेसर्स में, तो उसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा. माइंडसेट टू बी उसी ट्रांसफॉर्म्ड एंड ट्यून्ड टुवर्ड्स इसी प्रोग्रेसिव थिंकिंग, उसके बारे में सोचना पड़ेगा. दीज आर इसी फ्यू थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू जस्ट शेयर एट द मोमेंट. थैंक यू.